नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी हम पीरो प्रखंड के अमई पंचायत में हैं और मैं आपको बता दूं कि अमई पंचायत की यदि बात की जाए तो पीरो प्रखंड में सबसे ज़बरदस्त तरीके से यहां की पंचायत ने जीत हासिल किया है। यहां की मुखिया है चांदनी देवी, हमारे साथ यहाँ है और हम आपको बता देना चाहते हैं कि मुखिया प्रतिनिधि के रूप में इनके पति हैं, यहाँ तमाम लोग हैं जो कि ज़बरदस्त तरीके से इनको जीत दिलाया है और ये पंचायत कहीं ना कहीं से त्राहिमाम तो कर ही रही थी, क्योंकि जो अभी का जो सिचुएशन है, जो जितने वोट से ये जीती हैं, हमें नहीं लगता है कि यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, क्योंकि खुशहाल रहते तो 100-200 की मार्जिंग हो सकती थी, क्योंकि चुनाव में ऐसा होता है कि 100 वोट से कोई जीता, कोई 200 वोट से जीता, लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन है लगभग 1100 वोटों से जीत हासिल करना यानी कि अपने आप में एक अहम स्थान रखता है। हमारे बीच है चांदनी देवी, आइए इनसे जानते हैं जो यहाँ की मुखिया हैं, क्या बताना चाहेंगे। स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को, आपको एक जबरदस्त जीत यहाँ के लोगों ने दिलाया है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों ने जो जीत दिलाया है हमें, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा मैडम, आप यहाँ की मुखिया हो गई हैं, अब आप साधारण महिला नहीं हैं, आप यहाँ की मुखिया हैं और बहुत सारे आपने वादे भी किए थे और यहाँ की आम जनता ने अपना विश्वास मत आपको देके यहाँ का मुखिया बनाया। आगामी आपकी क्या तैयारी है, आप क्या सोची हैं, क्या क्या करेंगे आप? हम सोच रहे हैं कि जो जनता इतने विश्वास से जिन्होंने हमें जिताया है, इस काबिल बनाया है, तो उन्होंने बहुत ही विश्वास से हमें इस मुकाम पर लाया है, तो सोच रहे हैं कि उनके विश्वास पर खरा उतरें और जो भी उनका दुख हो या तकलीफ हो, जो उनकी शिकायत हो, वो हम पूरी तरह से दूर करने की कोशिश। आप पहली बार चुनाव लड़ी हैं? जी पहली बार लड़ी। पहली बार आप मुखिया बन गए? जी। क्या क्या करेंगे आप अपने पंचायत के लिए? अपने पंचायत के लिए अब देख रहे हैं कि यहाँ के जो स्थिति है गांव के, या फिर जो यहाँ अंदर नाली गली जो भी सड़कें हैं, वो देख रहे हैं किस तरह टूटा फूटा हुआ है, कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें लोग अगर बीमार भी पड़े तो हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी गाड़ी तुरंत आए और तुरंत चली जाए। यहाँ बहुत रोड की स्थिति खराब है, तो हम पहले जो पहले के प्रत्याशी थे 15 साल से वो जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी काम नहीं किया है, सारा इसी तरह पड़ा हुआ है। इंदिरा आवास हो गया, नली गली हो गया, रोड हो गया, या फिर कॉलोनी हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, मतलब कोई भी काम नहीं हुआ है, सब रुका पड़ा हुआ है, बाधित है। तो कॉलोनी के काम में भी वो एक आध लोगों को जो कराए भी हैं तो उसमें भी बहुत सारा पैसा खाते हैं, तो यहाँ का जनता बहुत दुखी है। कितने मतों से आप यहाँ विजयी हुई हैं? सर यहाँ तो हम लमसम 1100 वोट से। कितना टोटल वोट कितना है? टोटल 2118 है। आप देख सकते हैं 2118 वोट आए हैं, यानी कि 1100 वोटों से जीत अपने आप में एक स्थान रखता है और हमें तो नहीं लगता है कि इतने मत से आगे जबरदस्त तरीके से जीत कही जा सकती है और पीरो प्रखंड के अमई पंचायत की आम जनता ने एक जबरदस्त जवाब देने का काम किया है। कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है, चूंकि 15 वर्षों में यदि कोई विकास का कार्य नहीं करता है तो जनता को तो खोलना पड़ेगा, जनता को तो जागना पड़ेगा और ये जनता, ये भोली भाली जनता आप जो समझते हैं, ये जनता भोली भाली नहीं है, ये वो जनता है जो आपको मुखिया बना सकती है, विधायक बना सकती है, सांसद बना सकती है, तो आपको सोचना चाहिए कि इस जनता के हाथ में कितना बड़ा पावर है। ये सबसे बड़ी होती है, जनता से महान कोई नहीं होता है, इसलिए यदि आपको सत्ता मिलती है, यदि आपको पावर मिलता है, तो आप समझिए कि हम जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं हैं। तो इस तरह यहाँ की तमाम जनता ने यहाँ आपने देखा चांदनी देवी के रूप में मुखिया को स्वीकार किया और लोगों को विश्वास है कि यहाँ हमारी मुखिया बेहतर है और हमारे पंचायत का विकास करेंगी। हमारे बीच इनके पति हैं जो कि प्रतिनिधि के तौर पे हैं, नेतृत्वकर्ता के तौर पे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपने पंचायत? मैं सबसे पहले अपने अमई ग्राम पंचायत के सभी सामान्य जनता को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है और उस जिम्मेवारी पर मैं 101% खरा उतरूंगा और जितना भी समस्याएं हैं, देखिए समस्या तो बहुत है, अमई पंचायत बिहार में सबसे विकास के मामला में सबसे पीछे है, इस यहाँ पर एक भी नली गली और जितना भी है समस्या सारा वृद्धा भी पेंशन, विधवा पेंशन कुछ भी नहीं है। आज यहाँ अमई पंचायत के जितना भी हमारे चाचा चाची भाई बहन जितना भी सब ग्रसित है, त्रसित हैं, एक भी काम नहीं हुआ है विकास के मामले में, सबसे पीछे है। और जितना भी कॉलोनी पास भी हुआ है इंदिरा आवास का, सब में नजायज़ तरीका से गरीबों का जहाँ अधिकतर हुआ है और उसे पैसा लिया गया है नजायज़ तरीका से, मनमानी पैसा लिया गया है। अच्छा आप हमें ये बताएं, यहाँ की आम जनता ने अपना विश्वास मत दिया, आपको तो मुखिया बना दिया, आपकी पत्नी को मुखिया बना दिया, यानी कि कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में आपको चुना कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, तो आपकी भी कुछ
जिम्मेवारी बनती है, आप क्या क्या सोचे हैं इन लोगों के? जी हम यही चाहते हैं कि निशुल्क सारा काम हो, और जितना भी नली गली हमारा बना है जर्जर पड़ा अवस्था में है, ये मैं अपने मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊंचे अधिकारियों से भी और DM साहब जितना उधर जिला अधिकारी हैं, मैं सबसे नीतीश कुमार जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पंचायत में अपने अधिकारी को भेज कर और स्वयं जाँच कर ले जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। इस कार्य के माध्यम से सब काम हो चुका है, मगर यहाँ धरातल पर काम नहीं हुआ, सब कागज पर काम, कागज में काम हुआ। मेरा नाम मुन्ना सिंह है, इसी गांव के हम रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ युवा साथी हैं, कुछ मताए बने हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो अमई पंचायत है, हालांकि मैं भी जब इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैं देखा कि यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है। हालांकि जैसे कि इन्होंने बताया कि पूरे 15 वर्षों में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है, धरातल पर कहीं से भी काम दिख नहीं रहा है, सब कागज़ पर काम हुआ है। तो इस तरह यहाँ की मुखिया जो अभी नवनिर्वाचित मुखिया चांदनी देवी, काफ़ी ही एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, हमें लगता है कि निश्चित तौर से विकास होगा इस पंचायत के। कुछ युवा साथी है जानते हैं ये लोग क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे, क्यों जीताए आप लोग चांदनी देवी? बहुत विश्वास के साथ जीता है कि हमको गाँव में बहुत विकास होगा। क्या लगता है काम करेंगे? बहुत काम करेंगे, गर्व है आज हमें। बाबा आप क्या कहना चाहेंगे, काम करेंगी चांदनी देवी? एकदम करेंगी, एकदम नौकर बनकर करेगी। विश्वास है आपको? जनता का नौकर बनकर करेगी, मुखिया बनकर नहीं करेगी, नौकर बनकर करेगी। एक अलग अंदाज, एक अलग मिजाज और लोगों में जो विश्वास दिख रहा है अपने आप में, आइए कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत यहाँ पर विश्वास, बहुत जनता लोग यहाँ पर काम करेंगी, बहुत। आप क्या बताएंगी? बहुत काम करेंगे, विश्वास है? विश्वास है। आप लोगों ने जिताया है, क्या लगता है चांदनी देवी काम कर पाएंगी? हाँ, ये अपनों भी से जनता के दे कर देगा काम। हाँ, बहुत। हाँ, पहले के मुखिया काम नहीं करते? नहीं, 15 वर्ष 2011-2016-21 में जीता है चांदनी देवी, बहुत मुखिया अच्छा है काम। हाँ, सब करेगा ललित। 15 साल मुखिया रहे, कुछ काम नहीं, सिर्फ हम कुछ नहीं करता है। आप क्या बताना चाहेंगे? आप, हम बोलते हैं कि बहुत ही गरीबी है, ठीक न, हमारा 15 साल से श्री भगवान जीते, वो गांव में कोई कार्रवाई कानून नहीं कर पाए, हम लोग गरीब के लेके इसको जिताए अपना काम के लेकर और दिखाने के लिए, यानी कि ये काम। हाँ, एकदम करेगी। माता जी क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना मानो कि चांदनी देवी के दम जिता देगा, हमके कुछ नहीं के मिलल। चांदनी देवी जीत गई है, हाँ, इनको मुखिया बना दिया। हाँ, एकदम वोट का ही देन है कि ये मुखिया बन गई है। हाँ, अब क्या लगता है चांदनी देवी काम करेंगी? हाँ, एकदम सर, विश्वास है? हाँ, क्या कहना चाहेंगी आप? ठीक है, एकदम विश्वास के साथ जी करेगी काम, विश्वास के साथ पूरा जी, माने काम करेगा, करेंगी। तो आप देख सकते हैं तमाम मताए हैं यहाँ और तमाम युवा साथी और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं, क्या परिचय हुआ आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम रामाशंकर कुमार हुआ। रामाशंकर जी, आप लोगों ने का जिला महासचिव रह चुका हूँ, अभी भी हूँ। अच्छा, तो आप इस पंचायत में, इसी पंचायत क्या बेहतर काम कर सकती हैं? जी, बहुत बेहतर काम करने की लालसा है और दिल से इच्छा है हमारे मुखिया चांदनी देवी जी और उनके पति सब जुआ वर्ग की सोच है, हम लोग को भी सोच है कि इस पंचायत को, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि इंडिया लेवल तक पहुँचाना है, बिहार तक ही नहीं। और इनका ऐसा विचार है कि सब कुछ से सलाह लेकर सब काम समाज को देखते हुए ये काम करते हैं और करेंगे भी। जितना इंदिरा आवास है, नल जल और जितना धांधली हुआ है, उसको हम लोग मिल के उजागर करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद सब कोई के विचारधारा से जोड़कर हम लोग इस पंचायत को बहुत आगे ले जाने की सोच रखते हैं। के द्वारा कोई काम नहीं किया गया? जी नहीं, जी हुआ है, काम वैसा हुआ है कि कागज पर हुआ है, पैसा गमन करके। एक भी धरातल पर आप आइए, एक दिन समय हमारे पंचायत में दीजिए। आज हम देखे हैं वहाँ पर आपको गिरी बाबा का टोला कहलाता है, थी छोटकी मठिया, थी बसमनपुर, और हर एक जगह पंचायत में हर जी मान ले के एथी का काम हो गया है, जैसे कुआं का, उड़ाई का, लेकिन हम आज देखे हैं कि पूरा भरा हुआ है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि केवल कागज पर काम हुआ है लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं। आप देख सकते हैं ये क्रोध है, ये जनता की आवाज़ है, और इस तरह जनता जब उब जाती है, किसी से परेशान हो जाती है, तो हाथ तो जनता के, आपकी बागडोर जनता के हाथ में। यदि आप सोच रहे हैं तो ये आपका वहम है, यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम बाहुबली हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, यदि ये सोच रहे हैं कि हम मुखिया बन गए या विधायक बन गए या सांसद बन गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आपका अहम है, ये आपका भ्रम है।
सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में होती है। जनता जो चाहे वो कर सकती है, आपको धूल में मिला सकती है, ये जनता जैसे चाहे वैसे आपको हिला सकती है, क्योंकि जनता का पावर होता है, जनता के वोट से आप नेता मंत्री बनते हैं। यदि जनता को दुख होगा, जनता को कष्ट होगा, तो कहीं ना कहीं बदलाव जरूर आएगा, और यहाँ पे बदलाव हुआ है और ज़बरदस्त बदलाव हुआ। खासतौर पर पीरो प्रखंड की हम बात कर रहे हैं, तो पीरो प्रखंड में 22 पंचायत है और 22 पंचायत में मात्र 7 पंचायत ही रिन्यूअल हुआ है, बाद बाकी टोटल जितने भी पंचायत है यहाँ की आम जनता ने वहाँ दूसरा चेंज कर दिया है, नया प्रत्याशी को चुन लिया है, नया मुखिया को चुन लिया है। तो कहीं ना कहीं से कष्ट दिखा है आम जनता में, तब जाके परेशानी हुई है, और जब जनता परेशान होती है तो इसी तरह भूचाल आता है और इसी तरह नया चेहरा जनप्रतिनिधि के रूप में उभर के आता है, जो कि कहीं ना कहीं विकास के पथ को अग्रसर होता है। तो इस तरह ये तमाम लोग चांदनी देवी के और भी बहुत सारे अच्छे कार्य देखने को मिले हैं, जैसे कि कुछ माता जी लोगों ने बताया कि जब ये मुखिया नहीं थी तब से ये हम लोगों का साथ देती आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनके कुशल व्यवहार, अच्छी जो गुणवत्ता है, ईमानदारी है, कर्मठता है, कहीं ना कहीं इन लोगों के दिलों पर ये चीज़ था कि नहीं, ये मुखिया जब बन जाती है तो बहुत अच्छा कर सकती है। आज उसी का दिन है कि यहाँ की आम जनता ने इनको मुखिया बनाया। इसी तरह आप देखते रहिए, लगातार अमई पंचायत के विकास के कार्य को भी दिखाएंगे, जैसे जैसे इनका काम आगे बढ़ेगा वो तमाम कार्य को दिखाएंगे, और कैसे इस अमई पंचायत को खूबसूरत पंचायत और कैसे बिहार में नंबर वन पंचायत ये लोग करता है, तमाम चीज़ें आप लोगों को दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ, थैंक यू।